इमानुएल ने ग्रीस में शरण के लिए अर्जी दी थी। अब उन्हें वॉलंटियर का काम मिल गया है। जब से मैंने काम शुरू किया है, मैं आराम से हूँ और खुश भी हूँ। इमानुएल अब सिक्योरिटी गार्ड और अनुवादक के रूप में काम कर रहे हैं। लेस्बोस में उनके काम ने उनकी जिंदगी को नया रूप दिया है। पहले मैं रेफ्यूजी कैंप में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता था। इसकी वजह से मैं तनाव में रहने लगा। सुबह से शाम तक कहीं जाने को नहीं होता, कुछ करने को नहीं होता। उनकी शरण की अर्जी पर फैसला होने में कई साल लग सकते हैं। इस बीच इमानुएल ने गिटार सीखना शुरू किया है। वो अपने संगीत के जरिए साथी आप्रवासियों को हिम्मत देना चाहते हैं। इसका मतलब है हालात हमेशा एक से नहीं होते। बहुत मत सोचो, जब सही वक्त आएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा।